शाहरुख खान वर्सेस आमिर खान। जहां एक तरफ है बॉलीवुड के किंग खान तो दूसरी तरफ है बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट। फ्रेंड्स, शाहरुख और आमिर आज की डेट में इंडिया के बिगेस्ट सुपरस्टार्स हैं। इज्जत, दौलत और शोहरत के मामले में ये दोनों खान्स बॉलीवुड में सबसे आगे हैं। फ्रेंड्स, आप शाहरुख खान और आमिर खान के लग्जरियस लाइफस्टाइल को देखकर हक्के बक्के रह जाएंगे। शाहरुख खान और आमिर खान में शुरू से ही एक तगड़ा कंपटीशन चला आ रहा है और ये दोनों अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म के जरिए देते हैं एक दूसरे को जम के टक्कर। तो चलिए इन दोनों मेगास्टार्स के बीच में कंपैरिजन करते हैं और जानते हैं कि कौन है इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार। सबसे पहले एज एंड प्लेस ऑफ बर्थ। शाहरुख खान का जन्म 2 नवंबर 1965 दिल्ली इंडिया में हुआ और 2024 के हिसाब से शाहरुख की उम्र है 58 साल, जबकि दूसरी जाने आमिर खान का जन्म 14 मार्च 1965 मुंबई में हुआ था और साल 2024 के हिसाब से आमिर की उम्र है 59 साल। तो बात करें शल नेम और निकनेम की, तो शाहरुख खान का असल नाम अब्दुल रहमान खान है और निकनेम SRK है, जबकि आमिर खान का पूरा नाम है मोहम्मद आमिर हुसैन खान और निकनेम है AK। क्या करते हैं इनकी अर्ली लाइफ को। शाहरुख खान का जन्म एक बहुत ही गरीब घराने में हुआ था। शाहरुख के फादर एक सरकारी स्कूल में चपरासी थे और दो वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से कमा पाते थे, जबकि फिल्मी दुनिया से शाहरुख खान की फैमिली का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। तो चलिए एक नज़र डालते हैं आमिर खान की अर्ली लाइफ पर। फ्रेंड्स, आपको बताते चले कि आमिर खान का जन्म इंडिया के एक फेमस फिल्म मेकर फैमिली में हुआ था। आमिर के फादर जिनका नाम है ताहिर हुसैन, वो एक फिल्म प्रोड्यूसर थे, जबकि आमिर के चाचा नासिर हुसैन 70 के एक बहुत प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे। बात करते हैं इन दोनों की एजुकेशन की। शाहरुख खान ने दिल्ली के हंसराज कॉलेज से इकोनॉमिक्स में बैचलर किया और बाद में शब्द प्ले दिल्ली यूनिवर्सिटी में मास्टर्स में एडमिशन लिया, लेकिन अपने एक्टिंग करियर को परसीव करने के लिए शाहरुख खान ने पढ़ाई छोड़। बात करें आमिर खान की क्वालिफिकेशन की, तो आमिर खान इंटर पास है। आमिर खान ने अपना मैट्रिक बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल से किया, जबकि अपनी कॉलेज की एजुकेशन मुंबई के नरसी मुंजी कॉलेज से हासिल की। चलिए दोस्तों, अब कंपेयर करते हैं इन दोनों खान्स के फिल्मी करियर को। शाहरुख खान ने अपनी एक्टिंग करियर का आवाज साल 1988 टीवी सीरियल फौजी से किया और बाद में साल 1989 में सकस नामी टीवी शो में भी एक्टिंग की। शाहरुख ने 1992 में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। शाहरुख खान की पहली सुपरहिट फिल्म 1992 ही की दीवाना थी। आपको बताते चले कि बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान अब तक तकरीबन 100 फिल्मों में काम कर चुके हैं, जिनमें 13 ब्लॉकबस्टर मूवीज और 24 फ्लॉप फिल्में हैं। फ्रेंड्स, बात करें शाहरुख की 10 सुपरहिट मूवीज की, तो उनमें है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कभी खुशी कभी गम, ओम शांति ओम, कुछ कुछ होता है, कल हो ना हो, मैं हूँ ना, वीर जारा, देवदास, जवान, पठान और डॉन की। अपनी कमान की एक्टिंग, पॉपुलैरिटी और सुपरहिट मूवी की वजह से शाहरुख खान आज इंडिया के बिगेस्ट सुपरस्टार है। चलिए दोस्तों, अब एक नज़र डालते हैं आमिर खान के एक्टिंग करियर पर। क्योंकि आमिर खान का फिल्मी बैकग्राउंड था, इसीलिए आमिर खान को फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए ज्यादा पापड़ नहीं बेलने पड़े। आमिर खान ने अपना एक्टिंग का आगाज साल 1973 की ब्लॉकबस्टर मूवी यादों की बारात में सर चाइल्ड स्टार से किया और बाद में आमिर ने 1974 की फिल्म मदहोश और फिर 1985 की फिल्म होली में भी छोटे मोटे कैरेक्टर किए और फाइनली साल 1988 में आमिर खान ने कयामत से कयामत तक नमी मूवी में सर लीड एक्टर डेब्यू किया। दोस्तों, आपको बताते चले कि आमिर खान अब तक तकरीबन 56 फिल्मों में काम कर चुके हैं, जिनमें 11 सुपरहिट मूवीज और 16 फ्लॉप फिल्में शामिल हैं। बात करेंगे आमिर खान की टॉप 10 मूवीज की, तो उनमें शामिल है कयामत से कयामत तक, जो जीता वही सिकंदर, फना, PK, अंदाज अपना अपना, रंग दे बसंती, दिल चाहता है, तारे जमीन पर, लगान, तीन इडियट्स और दंगल। फ्रेंड्स, आमिर खान की कौन सी मूवी आपकी फेवरेट है कमेंट्स में जरूर बताएं। फ्रेंड्स, अब कंपेयर करते हैं इन दोनों खान्स की लग्जरियस कार कलेक्शन को। दोनों खान्स महंगी और ब्रांडेड कार्स के बहुत शौकीन है, यही वजह है कि उनके गैराज में दुनिया की एक से बढ़कर एक गाड़ी मौजूद है। चलिए अब एक नज़र डालते हैं किंग खान की कार कलेक्शन पर। नंबर 1 BMW 7, इसकी प्राइस है 4 करोड़। नंबर 2 पर आती है रंगे रोवर स्पोर्ट, इस गाड़ी की प्राइस है 6 करोड़ रुपए। नंबर 3 पर आती है रोल्स रॉयस कल्न, इसकी प्राइस है 10 करोड़ रुपए। और नंबर 4 पर है रोल्स रॉयस फैंटम, इसकी प्राइस है 8 करोड़ रुपए। और फाइनली नंबर 5 पर आती है मर्सिडीज बेंज एस क्लास, इस कार की प्राइस है 15 करोड़ रुपए। अब बात करते हैं आमिर खान की कार कलेक्शन के बारे में। नंबर 1 टोयोटा वेलफेयर, इसकी प्राइस है 90 लाख रुपए। नंबर 2 मर्सिडीज बेंज एस गार, इस आलीशान गाड़ी की कीमत है 10 करोड़ रुपए। और नंबर 3 पर आती है बेंटले फ्लाइंग सफर, इसकी कीमत है 3 करोड़ रुपए। और नंबर 4 पर आती है टोयोटा लैंड क्रूजर,
इसकी कीमत है 2 करोड़ रुपए। फाइनली नंबर 5 पर है BMW 5 सीरीज, इसकी प्राइस है 80 लाख रुपए। चलिए दोस्तों, अब कंपैरिजन होगा इन दोनों खान्स के घरों का। किंग खान इंडिया के महंगे ट्रेन घरों में से एक घर में रहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शाहरुख खान के घर यानी मन्नत की। शाहरुख के 6 स्टोरीज पर मस्त मिल इस घर में दुनिया की हर फैसिलिटी मौजूद है। शाहरुख खान अक्सर इस घर के टेरिस से अपने फैंस को पब्लिक अपीयरेंस देते रहते हैं। समंदर को ताकते मन्नत नामी इस विला में है स्विमिंग पूल, प्राइवेट सिनेमा, गोल्फ कोर्स, जिम्नेशियम, प्राइवेट स्पा और भी बहुत कुछ। आपको बताते हैं चले कि किंग खान के इस घर यानी मन्नत की कीमत है 200 करोड़ रुपए। अब बात करते हैं आमिर खान के मोस्ट लग्जरियस हाउस की। आमिर खान का घर मुंबई के बांद्रा में मौजूद है। फेमस इंटीरियर डिजाइनर ने इस 2 स्टोरी लग्जरी अपार्टमेंट को डिजाइन किया है। 5,000 स्क्वायर फीट पर फैले इस आलीशान मेंशन में बहुत सारी फैसिलिटीज मौजूद है, जिनमें शामिल है स्विमिंग पूल, प्राइवेट सिनेमा, बहुत बड़ा हॉल पार्टी के लिए और पर्सनल जिम। आमिर खान के घर का इंटीरियर यूरोपीय और इंडियन कल्चर से इंस्पायर्ड है। आमिर खान के इस पाली हिल्स बांद्रा वाले घर की कीमत है 60 करोड़ रुपए। फ्रेंड्स, आप कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों खान्स के प्राइवेट जेट को। शाहरुख खान, जी हाँ, बेश कीमती घर और गाड़ियों के अलावा किंग खान के पास अपना प्राइवेट जेट भी है। शाहरुख अक्सर अपने नेशनल और इंटरनेशनल टूर्स अपने इसी बेश कीमती प्राइवेट जेट पर करते हैं। इस प्राइवेट जेट का इंटीरियर किसी 5-स्टार होटल से कम नहीं। शाहरुख के इस प्राइवेट जेट की कीमत है 260 करोड़ रुपए। अब एक नजर डालते हैं आमिर खान के प्राइवेट जेट पर। जी हाँ, बाकी बॉलीवुड सुपरस्टार्स की तरह आमिर खान का भी अपना प्राइवेट जेट है। आमिर खान अपने नेशनल इंटरनेशनल टूर्स इसी जेट पर करते हैं। आमिर खान के इस प्राइवेट जेट की कीमत है 80 करोड़ रुपए। दोस्तों, आप बात करते हैं दोनों खान्स के साइड बिजनेसेस की। जी हाँ, ये दोनों खान्स एक्टिंग के अलावा कई प्राइवेट कंपनी के भी मालिक है और इन प्राइवेट बिजनेसेस से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। बात करें शाहरुख खान के साइड बिजनेस की, तो वो इंडिया के फेमस फिल्म स्टूडियो रेड चिली एंटरटेनमेंट के मालिक हैं। आपको बताते चलेंगे, रेड चिली एंटरटेनमेंट इंडिया का पहला VFX स्टूडियो है, जिसने शाहरुख खान की बहुत सारी सुपरहिट फिल्म्स के अलावा बहुत सारे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी प्रोड्यूस किए हैं। आपको बताते चले कि शाहरुख खान की लेटेस्ट VFX मूवी डंकी भी इसी स्टूडियो में बनी है। रेड चिलीज के अलावा शाहरुख खान इंडिया की टॉप IPL क्रिकेट टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के भी मालिक है। आपको बताते चले कि कोलकाता नाइट राइडर्स साल 2012 और 14 में IPL चैंपियन रह चुकी है। 2022 फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक इस क्रिकेट टीम की टोटल वर्थ $1.1 बिलियन है। आपको बताते चलेंगे, शाहरुख खान बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स के भी ब्रांड एम्बेसडर है और जिसे शाहरुख करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। फ्रेंड्स, आमिर खान भी बिजनेस के मामले में शाहरुख से पीछे नहीं। एक्टिंग के अलावा आमिर खान कई बिजनेसेस को भी होल्ड करते हैं। आमिर खान का आमिर खान फिल्म्स नामी प्रोडक्शन हाउस है, जो कि बहुत सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज प्रोड्यूस कर चुका है और आमिर खान इससे करोड़ों नहीं अरबों रुपए कमा चुके हैं। इसके अलावा आमिर खान रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स और ब्रांड एंडोर्समेंट्स से भी मोटी कमाई करते हैं। फ्रेंड्स, आप कुछ कंपैरिजन हो जाए इन दोनों खान्स के रिलेशनशिप स्टेटस का। साल 1984 में शाहरुख खान सबसे पहले अपनी वाइफ यानी गौरी खान से एक पार्टी में मिले थे। उसे वक्त शाहरुख की उम्र 18 जबकि गौरी खान की उम्र 14 साल थी। दोनों पहले ही नजर में एक दूसरे के प्यार में पड़ गए और बहुत सारे रिलीजियस डिफरेंस के बावजूद साल 1991 में शाहरुख खान ने गौरी खान से शादी कर ली। इस शादी से उनके 3 बच्चे हैं, जिनमें आर्यन खान, सुहाना खान और अब्राहम खान शामिल हैं। एक बात करते हैं आमिर खान के रिलेशनशिप स्टेटस की। 1986 में आमिर खान की शादी हुई रीना दत्ता से। इस शादी से आमिर खान के 2 बच्चे हैं, जुनैद खान और इरा खान। कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से ये शादी चल नहीं सकी और आमिर खान ने साल 2002 में रीना दत्ता को डाइवोर्स दे दी। इसके बाद साल 2005 में आमिर खान ने अपनी फिल्म लगान की असिस्टेंट डायरेक्टर किरण राव से शादी की और 2011 में उनके यहाँ सरोगेसी की मदद से बेटा आजाद राव खान पैदा हुआ। लेकिन ये शादी भी ज्यादा चल नहीं सके और साल 2011 में इस कपल में भी डाइवोर्स हो गई। तो फाइनली दोस्तों, कंपेयर करेंगे इन दोनों खान्स की टोटल नेटवर्थ इन 2024 को। फ्रेंड्स, बात करते हैं आमिर खान की नेटवर्थ की। थे फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक साल 2024 में आमिर खान की टोटल नेटवर्थ है $200 मिलियन या 1800 करोड़ इंडियन रुपीस। बात करेंगे शाहरुख खान की टोटल नेटवर्थ की। 2024 में शाहरुख की टोटल नेटवर्थ है $770 मिलियन यहाँ 6300 करोड़ इंडियन रूप। व्यूवर्स, ये था बॉलीवुड के 2 मेगा सुपरस्टार्स शाहरुख खान और आमिर खान के बीच में कंपैरिजन। इन दोनों में से बड़ा सुपरस्टार कौन है, फैसला आप पर छोड़ते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल शॉक सम इन्फो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।